क्या आपको भी ये डाउट है कि बच्चों ने अगर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की तो उनकी हाइट रुक जाए? तो इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हाइट बढ़ने का रीजन क्या है? हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो लॉन्ग बोन्स में जो ग्रोथ प्लेट होती है, जहाँ पर मतलब जैसे कि अगर मुझे टेक्निकली आपको बोलना है तो एपिफिजिस और मेटाफिजिस के बीच में जो ग्रोथ प्लेट होता है, जो एक कार्टिलेज होता है, ये प्यूबर्टी के दौरान जब ये फिक्स हो जाता है, इट बिकम्स अ हार्ड बोन, वो उस बच्चे की फाइनल हाइट होती है सबसे पहले। ओके, अब ये जो फाइनल हाइट है ये कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से या वेट ट्रेनिंग करने से ये कोई रुकने वाली नहीं, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब बच्चे वेट ट्रेनिंग करेंगे तो वो अंडर सुपरविजन चाहिए। ओके, उनका फॉर्म और टेक्निक ठीक होना चाहिए, ये ना हो कि वो बहुत ज्यादा हैवी वेट उठाए। ओके, और उनका जो एज ग्रुप है वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने का, दैट शुड बी बिटवीन 8 to 10 years, क्योंकि वहां पर उनको थोड़ी मेंटल मैच्योरिटी आती है और वो पर्सनल ट्रेनर के पास से ठीक से इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी, और याद रखिए फॉर्म टेक्निक सही होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं चाहिए। दे कैन कीप ट्रेनिंग इन द रेप रेंज ऑफ 15 to 20 reps। बच्चे अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उससे उनको फायदा क्या मिलता है? उससे उनको फायदा ये मिलेगा, सबसे पहले बच्चों के अंदर जब तक उनकी प्यूबर्टी होती नहीं है, जब तक उनको फिजिकल मैच्योरिटी आती नहीं, उनके अंदर मसल मास नहीं बनेगा। देयर मसल मास विल नॉट ग्रो अंटिल अनलेस दे गेट फिजिकल मैच्योरिटी। तो फिर अगर बच्चे हैं और वो अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या मिलेगा? उससे फायदा ये मिलेगा कि उनका न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जिसके वजह से उनके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये उनको फायदा मिलेगा और ये आगे चल के उनको डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग ये काम आए। तो ये चीजें हैं आपने हमेशा याद रखिए। इसलिए बच्चों को अगर वेट ट्रेनिंग करवाना है, देयर एज ग्रुप शुड बी 8 to 10 years। ओके, एंड दे शुड बी मेंटली मैच्योर, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप दे आर मेंटली मैच्योर टू टेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ क्वालिफाइड पर्सन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज फॉलो मी एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।